भारत के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच में खेलते हुए एलिस्टेयर कुक ने इतिहास रचते हुए इस मैच को यादगार बना दिया है। कुक ने इस टेस्ट मैच की पहली पारी में अर्धशतक जमाते हुए 71 रन की पारी खेली थी। इस मुकाबले के चौथे दिन इंग्लैंड के दूसरी पारी में उन्होंने बुमराह की गेंद पर चौका लगाकर मैच का अपना दूसरा अर्धशतक ठोक दिया। यानी कुक ने अपने आखिरी मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक जमाया। इसी के साथ कुक ने एक ऐसा कमाल कर दिया जो उनसे पहले दुनिया में सिर्फ एक ही बल्लेबाज कर सका था। कुक ने साउथहैम्पटन टेस्ट मैच के बाद ऐलान कर दिया था कि भारत के खिलाफ खेला जाने वाला पांचवा टेस्ट उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर का आखिरी मैच होगा। इस मैच से पहले मौजूदा टेस्ट सीरीज में इस दिग्गज बल्लेबाज का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था, लेकिन अपने आखिरी टेस्ट की दोनों पारियों में अर्धशतक जमाकर कुक ने अपने विदाई मैच को काफ़ी यादगार बना लिया है। कुक ने भारत के खिलाफ 2006 में अपना डेब्यू टेस्ट मैच खेला था। उन्होंने नागपुर में अपना पदार्पण मैच खेलते हुए पहली पारी में 60 तो दूसरी पारी में 104 रन बनाए थे। यानी कि कुक ने अपने पहले टेस्ट की दोनों पारियों में अर्धशतक जमाए थे और अब अपने आखिरी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में भी उन्होंने अर्धशतक लगाया है। वो अपने पहले और आखिरी दोनों टेस्ट मैचों की सभी पारियों में 50 लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। कुक से पहले ये कमाल ब्रुस मिचेल ने किया था। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस,